रतलाम में जल संकट पर राजनीति गर्माती जा रही है। शहर में कांग्रेस कटोरा मार्च निकालने की तैयारी कर रही है, जिससे फंड जो इकट्ठा होगा उसको निगमायुक्त को सौंपा जाएगा। रतलाम में जल संकट पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल पूरा मामला रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप से जुड़ा हुआ है। शहर में जारी भीषण जल संकट के बीच विधायक ने निजी फंड से नगर निगम को 13 लाख की पानी की 2 मोटरें डोनेट की है। यही बात अब कांग्रेस के गले नहीं उतर रही है। कांग्रेस नेता और अव्यापम के विसल ब्लोअर पारस सकलेचा का कहना है कि विधायक चैतन्य काश्यप को नियमानुसार विधायक निधि से यह राशि देनी थी, न कि निजी फंड से। ऐसा करके वह जनता के बीच वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात है, मध्य प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है कि एक विधायक को निजी फंड से पैसा देना पड़ रहा है। विधायक निधि को छोड़कर निजी फंड से पैसा देना पड़ रहा है, ये किसके लिए चैलेंज? एक महापौर बोलो, 14 नगर निगम में उसमें एक नगर निगम की महापौर, इतनी विद्वान एमएस डॉक्टर, जो डॉक्टरी के अंदर पूरे रतलाम जिले के अंदर जिसका नाम जाना जाता है, अगर वह यह कहे कि आयुक्त राजनीति कर रहा है और उसके बाद विधायक उसको बचाए और सरकार उसको नहीं हटाए, तो इस सरकार की कार्यप्रणाली का प्रश्न चिन्ह है। कांग्रेस का आरोप है कि विधायक के इशारे पर ही नगर निगम ने यह जल संकट पैदा किया है और फिर निजी फंड से रुपए दिए ताकि जनता के बीच पब्लिसिटी हासिल की जा सके। वहीं बीजेपी महामंत्री प्रदीप उपाध्याय का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए उल्टे सीधे काम कर रही है। कोई बात ही नहीं, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उनके पास कोई काम नहीं है। तब कुछ भी करते रहते, कटोरा निकाले या तपेला निकाले, कुछ भी निकाले, कोई उससे फर्क पड़ना नहीं है। अब देखना यह होगा कि पानी के मुद्दे पर शुरू हुई खींचतान कहां तक जाती है और कांग्रेस कितना इस मुद्दे को जनता के बीच भुना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रतलाम।